ना गुवाहाटी ना मुंबई, अब दिल्ली में होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची महाराष्ट्र की जंग। एकनाथ शिंदे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दो शहरों या कहिए दो सूबों में चल रही महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब तीसरे शहर में आ गई है। मुंबई महाराष्ट्र की सियासत का हेडक्वार्टर है, तो गुवाहाटी के पांच सितारा होटल में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे अपने 48 विधायकों के साथ मौजूद हैं। अब आज इस लड़ाई का फोकस दिल्ली शिफ्ट हो चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विवाद पर बड़ी सुनवाई होनी है। एकनाथ शिंदे और 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। याचिका में विधानसभा उपाध्यक्ष के शिवसेना के 16 बागी विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने के अलावा कई मुद्दे उठाए गए हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शिंदे खेमे की तरफ से दो अर्जी दाखिल की गई, एक अर्जी एकनाथ शिंदे की तरफ से और दूसरी तरफ से भरत गोगावले और 15 विधायकों की तरफ से। अर्जी में मुख्य पार्टी है एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, महाराष्ट्र सरकार, अजय चौधरी, सुनील प्रभु, भारत सरकार और डीजी महाराष्ट्र। याचिका में विधायक दल के नेता पर अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। शिंदे का कहना है कि इस तथ्य से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद कि शिवसेना विधायक दल के दो तिहाई से अधिक सदस्य हमारा समर्थन करते हैं, फिर भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को अजय चौधरी को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया। याचिका में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, जब तक कि डिप्टी स्पीकर को हटाए जाने को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता। याचिका में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि चीफ व्हिप को व्हिप जारी करने का अधिकार नहीं है, खुद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, ऐसे में वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। इसके अलावा याचिका में बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस कानूनी लड़ाई की जड़ विधानसभा उपाध्यक्ष का 16 बागी विधायकों को भेजा गया अयोग्यता वाला नोटिस है, जिसका जवाब शाम 5:30 बजे तक मांगा गया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है, उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनी लड़ाई भी शुरू। अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है, हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है। याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी। शिंदे की तरफ से हरीश सालवे केस की पैरवी करेंगे, जबकि शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और डिप्टी स्पीकर की तरफ से रविशंकर जंडियाला पक्ष रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से देवदत्त कामत दलीली देंगे। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।